राधे राधे, श्री रामचंद्र भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। देखिए कितनी मनमोहक दृश्य है। खाते हुए प्रसाद मिला है और देखो हमारा लगेज ये रहा, हम लेके चल रहे हैं। आ जाओ सब लोग, चलो और ये आलू के पराठे बन रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी सेक के देखती हूँ। बहुत सारे आलू के पराठे बन रहे थे और दही अचार, इन्होंने कहा आप ही सेक के देख लीजिए। ये भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा, मैंने भी बनाने की कोशिश करी, लेकिन भैया बहुत स्पीड से बना रहे थे क्योंकि काफ़ी पब्लिक थी। लेकिन सब दो दो ही पराठे खाते हैं, बस इतने ही खाए जाते हैं, ज़्यादा तो खाए नहीं जाते क्योंकि सुबह का समय होता है, पर बहुत टेस्टी लगे हमको। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये एक मतलब नाइट पहले का है, रात को चौकी के बाद का, तो इसके बाद में हमने ये बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, हमने ये शूट कर लिया, ये कैप्चर कर लिया, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और रात को देखो क्या नज़ारा है, अब मेहंदीपुर से हम वृंदावन की तरफ को चल दिए। हमने सोचा कि चलो बाकी बिहारी के भी दर्शन कर लीजिए जाएं, और हम बस में बैठे हुए थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था कि अब हमें बाँके बिहारी जी मिलेंगे, बाँके बिहारी जी के दर्शन करेंगे, क्योंकि मैं भी राधे राधे कोई ज़्यादा माँ। देखो हम वृंदावन पहुंच गए हैं, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। और वहाँ जमीन पर पैर रखते ही इतनी खुशी से झूम उठे, बहुत ही मन गदगद हो गया कि हम बाके बिहारी से मिलेंगे, बाके बिहारी के दर्शन होंगे। और लेकिन लेट हो गए थे, 4 बजे दर्शन होते तो हमने और मंदिर के बाहर से ही दर्शन कर लिए। भाई देखने में बहुत सुंदर लगा, वृंदावन जाके तो आत्मा ही तृप्त हो गई, बहुत सुंदर लगा। देखो ये दुर्गा माता भी दिन रही, बोलो साचे दरबार की जय। बहुत ही सुंदर लग रहा था, वहाँ जाके तो लगता है कि वापसी ही मत आओ वृंदावन। अब लंच का टाइम हो गया तो हमने एक रेस्टोरेंट में लंच किया, और देखो सब तरह की वैरायटी ले ली, सादा ही मिलता है। देखो यहाँ इस तरह से फुलके बन रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा इतने सारे फुलके एक साथ सीखते हुए। देखो कितने सारे फुलके एक साथ खिल सीख रहे हैं। और फिर देखो ये सारे मंदिर बाहर से ही हमने देखे, ये इस्कॉन मंदिर है। और देखो ये सब्जियाँ ऐसे रेस्टोरेंट में सजा रखी थी, देखने में बहुत सुंदर लग रही थी भैया। और देखो बाँके बिहारी के दर्शन कर लो, बोलो बाँके बिहारी लाल की जय। बस हम फोटो ही खींच पाए, ज़्यादा नहीं कर पाए, लेकिन बाँके बिहारी नज़र आ रहे हैं। और इसके बाद हमने फिर दूध पिया। देखो भैया दूध कैसे उछाल रहे हैं, और हमने कहा ना कि आप वीडियो में आओगे तो और तेज़ी से उछाल उछाल के दिखाया, और इतनी देर उछाल के दिखाया, बहुत ही अच्छा लग रहा था भैया ये सीन भी। पर ये भी खुश हो रहे हैं कि हम वीडियो में आएंगे। और दूध भी बहुत टेस्टी था, वृंदावन का तो दूध भी बहुत टेस्टी लगा। तो गर्म सना हुआ ठंडा इतना कर दिया भैया। इसके बाद में हमने आते हुए शिवा ढाबा में डिनर किया, क्योंकि बहुत लेट हो गए थे, फिर सारे ढाबा बंद हो जाते, इसलिए हमने जल्दी कर लिया, क्योंकि हमको रात को आने में ही 2 बज गए। फिर हमें भाई देखो ठंड लगी आई, तो हमने चाय भी पी बीच में, कुल्हड़ में चाय मुझे बहुत टेस्टी लगती है। फिर हमने शक्करकंदी की चाट भी खाई ठेले पे, ये भी बहुत टेस्टी लगी, बहुत अच्छी लग रही थी, यमी यमी लग रही थी। और जैसे कहीं जाओ ना बाहर, कुछ ना कुछ खाते रहो तो अच्छा लगता है, हेल्दी चीज खाओ तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगा। देखो बाहर जाके तो अच्छा तो लगता ही है, बना तो
आपको बताना कमेंट करके कैसे लगे हैं। और किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नहीं आए हैं वो आके सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाए और हम वापसी को चल दिए। बस में देखो लाइट लाइट जल गई और आपको आगे ऐसे ही ब्लॉग मिलते रहेंगे। राधे राधे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे।